आपने पैसों का याद ही नहीं कराया मुझे। नहीं सर आप जाएं ब्रदर। नहीं 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 बात सुनिए ब्रदर। नहीं नहीं पैसे नहीं, मेरी तरफ से आपका नाश्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, अभी मैं नस जा रहा था और जाते जाते मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया, तो मैंने कहा उस पर व्लॉग बना लेते। पर अभी मैंने क्रीम बुलवाई है, मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जाके उनसे पूछूं कि भाई क्रीम का क्या सीन है, क्योंकि क्रीम का वाकई पाकिस्तान में बड़ा सीन ऑन हुआ हुआ है। तो अभी एक भाई आएंगे जिन्हें बुलाया हुआ है, उन्हें मैं जानता नहीं हूँ, तो पहला इंटरेक्शन ही होगा, देखते हैं इंटरव्यू देते हैं नहीं देते। तो भैया हमारी क्रीम आ गई है और ये स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी हुई थी ऐप पी के ग्रे कलर की, मेहरान होगी। अस्सलाम वालेकुम, टाइम शाइम होगा राइट? बेशक का फोन रखे, मैं बनाता हूँ थोड़ी बहुत वीडियोस यूट्यूब पे, उसमें मैंने वीडियो बनानी है कि करीम का किस तरह का सीन है, अगर आप गाइड कर सकते। मेरा नाम हमेश गुल है, मैं करीम में जॉब करता हूँ एज अ कैप्टन, और मेरी गाड़ी अपनी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, सुबह 7 बजे निकलता हूँ, शाम को 7 बजे छुट्टी करता हूँ। ये बताएं कि करीम में जब हम जो लड़के जो काम करने आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, उनको कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि 12 घंटे की जॉब मेरे हिसाब से गाड़ी चलाना रेगुलर 12 घंटे ड्राइव करना है, एक बड़ा हेक्टिक जॉब लगती है। दूसरा गाड़ी के अलहदा से खर्चे होते होंगे जब इतनी गाड़ी चलती है, तो करीम वाले आपको उस हिसाब से पे कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं? क्योंकि पहले मैंने सुना था जब शुरू शुरू में करीम आई थी, मुझे पता है कि काफ़ी ये आपको बोनसेस देते थे, अब आस्ता आस्ता मुझे लग रहा है बोनसेस कम करते जा रहे हैं, जो कि सुनने में आया अलग चीज़ें, मैंने खुद तो नहीं चलाई लेकिन जिन जिनसे मुझे पता लगे वो थोड़े कह रहे हैं बोनसेस कम कर दिए हैं, राइड ज़्यादा हो गई हैं, तो उससे इस किस्म के मसले आपको आ रहे हैं कि थोड़ा महंगाई भी जिस तरह बढ़ गई है काफ़ी, तो आपका गुजारा ठीक हो रहा है या मुश्किलात थोड़ी बढ़ गई हैं करीम को लेकर? सर असल में बोनसेस बहुत कम हुई हैं, थोड़े भी नहीं, बहुत राइड्स बढ़ चुके हैं, इसी वजह से ड्यूटी भी बढ़ चुकी है, यानी ज़्यादा हम करते हैं अब, और इस वजह से लोगों ने गाड़ियां ली है किश्तों पर, तो लोग मजबूर है इस टाइम पे, एक तरफ से महंगाई है, दूसरी तरफ से मजबूर है किश्त देने पड़ते हैं, तो उस वजह से अगर हम पहले 40,000 कमा रहे थे तो अब 25,000 हम कमा रहे हैं, उसमें से ज़्यादा से अब स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए, अब गुजारा बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से जो है ना किश्त देने हैं, लोगों ने 5-5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली, किसी ने 9 लाख की न्यू 0 मीटर गाड़ियाँ ली, पहले कंपनी ने हमें जो है ना एक लालच दी कि इतने बोनस हम देंगे, अब उसने पॉलिसी भी चेंज की, अब जो कस्टमर है उसके सुनते हैं और हमारे आजकल नहीं सुनवाई जाती, तो हम हमारी तो जो बोनसेस है और गुजारा है, गुजारा इसलिए हम कहते हैं कि होता है क्योंकि महंगाई, इस महंगाई के दौर में अगर बंदा बेरोज़गार बैठ जाए तो और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगे, तो इसी वजह से अगर अब हम थोड़ा बहुत भी कमाएंगे तो आहिस्ता जो मुश्किल है उस हालात में तो नहीं रहेंगे ना, तो गुजारा तो चलेगा। तो पहले की निस्बत अब क्या तब्दीली आई है? एक तो पे का आपने बता दिया कि कम हो गई है, दूसरा वर्किंग आवर्स ज़्यादा होंगे, बोनसेस किस तरह से उन्होंने कम कर दिए हैं, लाइक बोनसेस में क्या कमी क्या की है उन्होंने? बोनसेस सर इस तरह थे कि पहले आपने राइड करने थे 85 करने थे, तो उस लिहाज से अब 100 राइड्स हो गए। दूसरी तरफ से बोनस पहले थे 4,500, पहले तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन दरमियानी हिसाब से जो थे पहले तो वो 4,500 थे, 4,500 से फिर आ गए डायरेक्ट 3,500 पे, 3,500 से फिर 3,000 हो गए, अब 3,000 6 महीने चल रहा था और 100 राइड्स हो गए पूरे एक हफ्ते के, तो 100 राइड से अब हो गए अब एक हफ्ता पहले 2,500 रुपये, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये 2,500 से 1,500 रुपये पा गया तो शायद मेरे हिसाब से शायद लोग गाड़ियाँ भी बेच देंगे, क्योंकि 1,500 में से तो कुछ भी नहीं बचता, तो लोग चलाते थे इस वजह से कि चलो 3,000 आ जाएगा मुफलेल का काम निकल जाएगा और 800-900-1,000 रुपये रिस्क का दिन का बचेगा तो काम चलेगा, तो बोनस इस तरह से बहुत कम हो गए, तो इसी वजह से हमारे जो है ना मुश्किलें भी बढ़ गई। तो अब आप काम करते हैं 12 घंटे और कितना आप कमा लेते हैं टोटल 12 घंटे करके? 7 दिन काम करते हैं? हाँ हम 7 दिन काम करते हैं। 7 दिन काम करके आप कितना कमा लेते हैं महीने में? फिर तो यही हो गया कि 12 घंटे 7 दिन काम करते हैं और 30 के 30 दिन महीने में काम करते हैं और एट दी एंड फिर आपकी जेब खर्च इतना आता है, पेट्रोल को निकाल दें, गाड़ी के खर्चों को निकाल दें, जो कमाने के लिहाज से जो एट दी एंड आप कमा रहे होते हैं वो कितना कमाते हैं? हम सर अगर दिन के लिहाज से दिन का हिसाब करें तो हमारे को टारगेट दिया होता है 2,500-2,600 का अर्निंग्स जो ब्लैक अमाउंट होते हैं इसके टैक्स के अलावा,
तो वो टैक्स काट के जो हमें मिलते हैं तो हम 2500 से कम 1300 से 1400 रुपए का फ्यूल लग जाता है। अच्छा। तो उसमें से 250 रुपए का खाना निकाल दें तो बाकी जो रह गया 800-900 रुपए यही बच जाता है। 800-900 दिन का 12 घंटे गाड़ी चलाने के बाद। हाँ, सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे भी कभी कभी हो जाता है, कभी 9 बजे कभी 7 बजे, यानी 12 घंटे से हम ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कम से कम 12 घंटे बताया, 14 घंटे 15 घंटे तक पहुंच जाती है ड्यूटी हमारी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। जिस हिसाब से मेहनत लगती है, ज़ाहरी बात है कहाँ कहाँ नहीं गाहक लेके जाते होंगे, मर्ज़ी तो आपकी नहीं होती ना, बस लोकेशन आई है पिक करो, कभी उस कोने में जाओ कभी उस कोने में जाओ, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि लाइक थोड़ी ज़्यादती है कि कस्टमर्स की। ठीक है, आप सुने अच्छी बात है, लेकिन जो बंदा जो एम्प्लॉय है आपका, आपको उसको भी उस लिहाज से सर्विसेज मैं तो कहता हूँ देनी चाहिए। तो 800 अगर आप इतने ज़्यादा टाइम करके सिर्फ 800 आपका बच रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी ज़्यादती कहूँगा मैं इसे। अब पहले ठीक था, पहले के लिहाज से काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब मैं कहूँगा थोड़ा, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि बिजनेसेस कम कर दिए, क्या करीम ट्रस्टवर्थी है, सिक्योरिटी वाइज कोई ज़्यादा इशू तो नहीं आते इसमें? नहीं सर, सिक्योरिटी जो है ना इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती, बस थोड़े से इसलिए मैंने आपको कहा कि कस्टमर को ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर आप हम कहें कि थोड़ी सी भी यानी एक कदम आगे अगर हम खड़े हो गए तो फिर उसको पीछे आना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हम पीछे नहीं आए तो इसके दो जो है ना मुश्किलें हमारे लिए, एक है एक्सेप्टेंस और एक है स्टार रेटिंग्स। अगर हम आपको ले जाते हैं आपके साथ, हमारा हम तो रवैया अच्छा होता है हमारा, लेकिन बहरहाल वो लोग जो है ना कभी कभी ये सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं और हम चुप होते हैं, तो इसी वजह से वो स्टार रेटिंग कम देते हैं, तो उसी वजह से भी हमारे बोनस वो कंपनी जो है ना जब्त कर लेते हैं। और एक्सेप्टेंस ये है कि कभी कभी हम गाड़ी चलाते वक्त राइड आ जाती है तो रश होती है, तो उस वजह से जब एक्सेप्ट नहीं हो जाती तब भी बोनस जब्त कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ और वगैरह नहीं है, बस सिक्योरिटी से हम लोगों को बहुत सहूलत देते हैं, बहुत तहफ़ देते हैं, ताकि कंपनी भी बढ़े और हमारा काम भी बढ़े। मैं ये कहता हूँ, नो डाउट करीम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली पाकिस्तान के लिहाज से कस्टमर्स के लिए, जो मैं मुझ जैसा कस्टमर्स, मुझे तो बहुत सहूलत है, घर से आगे उठा लेते हैं और जो लोकेशन होती है उस पर ड्रॉप आउट भी कर देते हैं। सर्विस भी जिस तरह से इन्होंने बात की, काफ़ी पोलाइटली बात करते हैं और बड़ा अच्छा, जो स्टार रेटिंग के चक्कर में कहें या वैसे कहें, बड़ा पोलाइट मैनर है, काफ़ी अच्छा कस्टमर के लिए। तो कस्टमर आई थिंक मोस्टली सेटिस्फाई होगा करीम से। लेकिन अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ आजकल थोड़े बहुत मुझे लग रहा है चाहे कुछ ज़्यादा शायद तंग आए हों। तो करीम को अगर तो कोई सुन रहा हो, तो मैं तो करीम को ये मशवरा दूंगा, कस्टमर के साथ साथ अपने एम्प्लॉय पे भी आप फोकस करें, ताकि दोनों तरफ से आप बैलेंस आउट कर लें सीन को। तो थोड़ा सा पैगाम जो यंग जनरेशन भी आना चाह रही है, जो आपको पता है बेरोज़गारी तो बढ़ रही है पाकिस्तान में, करीम एक बड़ा अच्छा सोर्स है, उसने रोज़गार प्रोवाइड किया। लाइक ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि इस जैसी कंपनीज़ ने रोज़गार, काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे थोड़े कम पढ़े लिखे हों। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, या जो थोड़े पढ़े लिखे भी नहीं भी हैं, जो स्पेशली आजकल के दौर में आना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? आप तो मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा हो गया आपको काम करते हुए यहाँ पे, तो कितने टाइम से कर रहे हैं, और जो नए आने वाले हैं उन्हें क्या मशवरा देंगे आप अगर करीम चलानी है तो? सर मेरा मशवरा ये है कि मैं 3 साल से करीम चला रहा हूँ, ठीक है, जब से ये आई है 3 महीने के बाद मैंने स्टार्ट की है, तो 3 साल से मेरा करीबन ज़्यादा हो गया, 3 साल ही डालो। तो मेरा जो यंग जनरेशन हो या जो बेरोज़गार लोग है वो आ रही है, तो उसके लिए यही कमाने के लिए यही जो ज़रिया है ये तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बेरोज़गार बैठने से ये फिर भी अच्छा है, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 तो आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप ना कमाएंगे तो फिर आप किसी से कर्ज़ उधार लेंगे और उधार फिर कमा के उनको देंगे। अगर 2 महीने आप बैठ गए तो 2 महीने के कर्ज़ लेंगे, तो 3 महीने बैठ गए तो 3 महीने का कर्ज़ लेंगे, तो उससे बेहतर है कि अगर आपको किसी मजदूरी भी करेंगे तो वो भी सख्त काम है, सारा दिन धूप में काम करना पड़ता है, सर्दी में सर्दियों में काम करना पड़ता है, तो उससे तो फिर भी ये बेहतर है, क्योंकि ड्राइव हमारा एक हुनर है, हम इसका अगर यूज़ करेंगे तो जो है ना इससे हम पैसे कमाएंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे आगे, और हमारे यंग जनरेशन और जो बेरोज़गार है उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और मेरा ये पैगाम भी है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि अगर हम आपने नहीं पढ़ाओ तो बच्चों को पढ़ाएं, ताकि आपका आगे जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो।
بہت بہت شکریہ اور بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے، بڑے اچھے انہوں نے مفید مشورے بھی دیے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ مجھے بڑی رونق لگتی ہے کہ اتنے فرینڈلی لوگ ہیں پاکستان کے، کہ مطلب جس سے بات کرو نا وہ اگلا بندہ آپ کو، حالانکہ ناکام تھا اسپیشلی رک کے کہتے نہیں میں ٹائم دیتا ہوں۔ تو یہ پاکستان کی جو ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے نا لوگوں میں، یہ میں دیوانہ ہوں اس کا۔ اور میں ہاسپٹیلٹی کی بات کر رہا تھا اور جاتے جاتے باتوں کے چکر میں پیسے دینا ہی بھول گیا تھا، اور انہوں نے پیسے مانگے بھی نہیں، ابھی میں نے دوبارہ کال کر کے انہیں بلایا یار، مطلب ہاتھ ہو گیا۔ آپ نے پیسوں کا یاد ہی نہیں کرایا مجھے۔ نہیں سر آپ جائیں برادر، نہیں میری طرف سے آپ کا ناشتہ ہو گیا۔ آپ کا نمبر میرے ساتھ ہے، سیو کر لیتا ہوں، کبھی کبھی واٹس ایپ پہ گپ شپ لگائیں گے۔ چلو چلے ٹھیک ہے، یہ رکھ لیں ورنہ ایک بوجھ رہے گا میرے پہ قسم سے برادر۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے قسم سے، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا بالکل، کیونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، آپ کا کاروبار ہے سر۔ ایسے چائے پانی جتنا کر رہے ہیں میں آپ کے گھر آ کے کھا لوں گا، لیکن یہ کاروبار ہے بس سر، یہ سمجھ لینا ہے، آپ سمجھ لیں پلیز۔ یہ بقایا ملا مجھے اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کس طرح سے میں نے دیا ہے یہ چیز، لائک کیسے بتاؤں یار، یہ چیز آپ کو دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نہیں ملتی۔ پاکستان کے لوگ یار لو ہو یار، آپ لوگ لو ہو۔ کہ آپ نے اگر اس قسم کی ویڈیو دیکھنی ہے اور یورپ سے ایجوکیشن کے متعلق بھی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو بھیا آؤ نا، چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور کانٹینٹ دیکھیے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔